नमस्कार। दाभोलकर मर्डर केस में जज का ऑर्डर आया है। मैं बहुत खुश हूं कि डॉक्टर तावड़े, एडवोकेट पुनलेकर और विक्रम भावे को ये मैटर से फाइनली राहत मिल गई है। और मैंने हमेशा कहा है कि इनके ऊपर केस एकदम ही फर्जी था और ये केस में कोई भी तथ्य या कोई भी दम नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो विटनेसेस के एविडेंस के बेसिस पर सिर्फ कलस्कर और अंदुरे को कन्विक्शन दिया है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। एंड उसके रीजंस मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा। जज ने बहुत क्लियरली लिखा है अपने जजमेंट में, एक्सेप्ट किया है कि जो विटनेसेस हैं उनकी टेस्टिमनीज रिलायबल नहीं है और उनके सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट्री भी है। एक ने कुछ बोला है, दूसरे ने कुछ और बोला है और इसके चलते उनकी इंडिविजुअली टेस्टिमनी रिलायबल नहीं है। लेकिन वो फिर भी ये कह रहे हैं कि कलेक्टिवली सब की टेस्टिमनी रिलायबल हो जाती है, जो बहुत फनी है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इंडिविजुअली रिलायबल नहीं है तो कलेक्टिवली रिलायबल कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हमेशा सीबीआई ने ये क्लेम किया था कि शरद कलस्कर जो है उनको उन्होंने कन्फेशन दिया है कर्नाटका KCOCA के अंडर, कोई ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन लास्ट तक वो कन्फेशन कभी भी रिकॉर्ड पे लाया नहीं गया। क्यों लाया नहीं गया ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर ऑलरेडी आपके पास में किसी का कन्फेशन है तो आपने क्यों प्रोड्यूस नहीं किया ये मैटर में? ये बात जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने कभी भी क्लैरिफाई नहीं किया है। तीसरा, जो आई विटनेसेस थे इस केस में, उनमें से सिर्फ कुछ ही आई विटनेसेस को केस के सामने प्रोड्यूस किया गया, बाकी लोगों को छुपा के रखा गया बिकॉज उन्होंने ये जो सस्पेक्ट्स हैं इनको आइडेंटिफाई नहीं किया था। जज ने कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं किया है ये फैक्ट पर कि ये जो विटनेसेस हैं जिन्होंने अलेजेडली कलस्कर और अंदुरे को इस बार फोटोग्राफ्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया है, उनको उन्हीं विटनेसेस ने पहले भी सारंग अकोलकर और विनय पवार को आइडेंटिफाई किया था। तो जाहिर है अगर जज फिर भी कह रहे हैं कि इनके ऊपर कोई भी दबाव का कोई मुझे ये नहीं लग रहा है, तो वो शायद मुझे थोड़ा सा दर्श नहीं रहा है ये बात। आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुआ इन केसेस में, ये अभी प्रूवन है कि आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुआ था। लेकिन जज ने कहा है कि नहीं नहीं आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुआ तो भी क्या, बहुत उनको 10 फोटो दिखा दिए उसमें से उन्होंने पिकआउट कर दिया तो वही बात हो गई। नहीं सॉरी आई डोंट थिंक, बट ऑफकोर्स वो जज है, वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, शायद हो सकता है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है एविडेंस, जो एक विटनेस है विनय केलकर, उन्होंने जिन्होंने बोला था कि ये मुझे लगता है ये सिर्फ 70-80% दिखते हैं किलर के जैसे। यानी क्या उनका नाक अलग है, उनका कान अलग है, उनकी आंख अलग है, कौन सा 20-30% है जो अलग दिखता है उनको? और उसके बेसिस पर अगर किसी का फेशियल मिसमैच 20-30% होता है तो आप फिर भी वो विटनेस को कैसे रिलायबल बोल सकते हैं? पर आप फिर भी वो रिलायबल, आई मीन जस्ट बिकॉज वो क्लेम कर रहा है वो रिलायबल हो जाता है क्योंकि उसको झूठ बोलने का आपको कोई रीजन नहीं दिखता है। लेकिन यही विटनेस है जिन्होंने पहले भी शरद कलस्कर और सारंग अकोलकर और पवार को आइडेंटिफाई किया, तो उनकी रिलायबिलिटी पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क तो बनता है। तीसरी बात यह भी है कि जो डिफेंस के विटनेसेस थे, यानी जो शरद और सचिन के बहनें थी जिनको विटनेस करके प्रोड्यूस किया गया था, उनके एविडेंस को आउटराइट डिसमिस कर दिया गया है कि उन्होंने शायद आफ्टर थॉट करके, क्योंकि उनके पास कोई फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं था बैक करने के लिए। लेकिन ये 2013 की बात है, 2013 में ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी जैसे आज सेल्फी जनरेशन है। उस समय ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी, स्पेशली इन स्मॉलर एरियाज। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे है। एक चीज अच्छी हुई है कि जो जज है उन्होंने क्लियरली बोला है कि इसमें जितने भी अक्यूज थे उनका जो UAPA है उसके अंडर कोई भी चार्ज बनता नहीं है बिकॉज, और ये कोई छुपी बात नहीं है, मैंने भी अपने बुक में लिखा है ये ओपनली कि सनातन संस्था और दाभोलकर की ऑर्गेनाइजेशन अनीस के बीच में बहुत बुरे संबंध थे और वो एक दूसरे के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे, और ये वन साइडेड नहीं था, ये दोनों तरफ से था।
ये तो फैक्ट है जो रिकॉर्ड पे है और ये तो ओपनली कोर्ट में भी मालूम पड़ा है, बिकॉज कोर्ट में भी जज ने ऑब्जर्व किया है दैट जो डिफेंस लॉयर्स है उन्होंने उस समय भी कहा कि दाभोलकर एंटी हिंदू थे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ी डूबियस थी, और जज ने ये ऑब्जर्व भी किया है कि ये तो पर्सनल एनमिटी है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, लेकिन सिर्फ पर्सनल एनमिटी है तो आप मोटिव क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में ना विटनेसेस है ना एविडेंस है, तो आप सिर्फ मोटिव के बेसिस पर किसी को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। यू रिक्वायर टू हैव विटनेसेस, यू रिक्वायर टू हैव एविडेंस, जो कि इस केस के किस में आपके पास नहीं है, और इस वजह है कि डॉक्टर तावड़े, पुनलेकर जी और विक्रम भावे तीनों को एक्विट कर दिया गया, बिकॉज उनके खिलाफ कोई भी विटनेस नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। अब मुझे बहुत दुख है कि विक्रम तावड़े जी इतने वर्ष जेल में बिताए हैं उन्होंने, एटलीस्ट अब वो फ्री हुए हैं, बट मुझे तो लगता है कि कुछ न कुछ कॉम्पेंसेशन का केस उनको गवर्नमेंट पे ठोकना ही चाहिए। जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है, बेचारे की 8 साल गए हैं जिंदगी के, उनको कुछ न कुछ कॉम्पेंसेशन तो मिलना ही चाहिए। बस अब के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे। आई होप हाई कोर्ट में जाने के बाद में शरद कलस्कर और सचिन अंदुरे को रिलीफ मिले और उनको भी इस मैटर से छोड़ दिया जाए। नमस्ते।